दीदी नीरा मदन जी ने शरीर में रहते हुए शिव की चर्चा में ये बात कही थी, हरी सभा में कही थी, मंच पे बैठ के कही थी, सबके बीच ये वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं छाया बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बसंत गुरुकारी में बेईमानी नहीं। ये बात भी उन्होंने कही थी कि मैं छाया बनकर रहूंगी, आप क्या मतलब करेंगे मेरे लिए, मैं छूटकर आपके रास्ते के कांटों को छूट लूंगी। कांटे मतलब समस्याएं, बाधाएं, परेशानी। दुनिया में बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ पे चलती है, लेकिन कोई उनको हटाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ये भी वादा कर लिया, आप गुरु के रास्ते में चलिए तो मैं ये भी करूंगी आपके लिए। साहब ने कोरोना काल में एक किताब लिखी, आओ चले शिव की ओर, उसकी पंक्ति है ये। उन्होंने लिखा कि मैं शिव का शिष्य सुरेंद्रानंद अमृत हूं, झूठा हूं, उन सभी शिव शिष्यों के आगे जिन्होंने मेरे गुरु शिव के कार्य को पढ़ने में मेरी मदद की, सहायता की। उन्होंने कहा कि मैं पद प्रचारण करता हूं उन सभी का। पद प्रचारण का अर्थ होता है हमारे गाँव में, अब होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले मैंने देखा था कि अगर कोई थका हुआ आता है घर में, दूर से यात्रा करके आता है, तो उसके पाँव बहुत सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो घर में आने से पहले दरवाजे पे ही उसके पाँव को धोया जाता है ठंडे पानी से, इसलिए कि पैरों की गंदगी भी निकल जाए और थकान भी दूर हो जाए। साहब इंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य इंद्रानंद पद प्रचारण करूंगा, पैर धोके रखूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। हालांकि ये पंक्ति सुन के हम लोगों के शरीर को सर्वंगी से गड़ जाना चाहिए कि शिव का से सहिंद्रानंद जी अपने गुरु शिव के लिए इतना छूट सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं छूट सकते। हम लोग इसको सोचते हैं कि वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ, उसने ज्यादा नहीं बिछाई थी इसके यहाँ चर्चा में हम नहीं जाएंगे, उसको कुर्सी दी तो हमको क्यों नहीं दी थी, उसको चाय पिलाया मुझको क्यों नहीं पिलाई। गए थे गुरु का नाम लेकर, लेकिन गुरु के सिवा सब कुछ याद आता रहा। लेकिन हम आदर्श कहते हैं अपने बड़े गुरु दाता को कि आदर्श है वो शिव सिस्टर के। उन्होंने ये कहा कि जब से चला हो मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हो, जब से शिव सिस्टर के रास्ते पे चला हो, मेरी नजर कहाँ है, चला हो मंजिल पे है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले, हम लोग चलते हैं ना तो हर कुछ दिन के बाद हम लोग मील का पत्थर देखते हैं, माइल स्टोन देखते हैं कि अब जालंधर कितनी दूर और बाकी है, अब अमृतसर कितनी दूर बाकी है, कहते हैं ना, पढ़ते ना आप। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी पढ़ने के लिए मील के पत्थर को नहीं देखा कि मैं कितनी दूर आया हूँ, मैंने शिव को देखा और शिव की तरफ चल रहा हूँ, शिव चल रहा हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि आओ चले शिव की ओर। रास्ते में बहुत चीजें हैं, कितने चीजों को देखोगे, क्या क्या देखोगे, और वो चीजें तो आपका रास्ता रोकती ही है। दूसरों को देखते देखते अपनी यात्रा भी भूल जाती है। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने गुरु शिव की बात दूसरों के बीच रखें, बाकी अपने गुरु महादेव को छोड़ दें। अकाल तख्त कहते हैं उनको, अकाल जिसकी मौत नहीं होती, जो काल से परे है वो शिव, वो मेरा आपका गुरु है और दयालु है, कितनी दया है उसमें। शिव की दया से आदर जो चीजें हमको आपको मिली है वो संसार में सदा विजय दी है, संसार में उसकी हमेशा विजय होती है अगर वो शिव की दया से आदर है। तब आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे अगर आई है तो उस पर बात कर ले, ताकि गुरु कार्य में गति मिल सके हम लोगों को। हम लोग जालंधर में आज यहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं ये कभी मत समझिएगा कि हम लोग कम लोग हैं, क्योंकि पहला महोत्सव जब साहब ने किया था उस पहले महोत्सव में गढ़ बरवारी में किया था, उस पहले महोत्सव में 13 लोग थे। और साहब वैद्यनाथ जी उस दिन उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज जो 13 लोग हैं आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। लोग आश्चर्य में रह गए थे, उनको विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज कितने करोड़ हैं हम गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत हैं,
जैसे शिव को जपा नहीं जा सकता, उनके अनेक रूप है, आपकी सांसों पे भी जो है वो आपके पास उसकी गिनती नहीं है, वैसे ही इसकी भी कोई गिनती नहीं है कि आज शिव के शिष्य कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। लेकिन जो जहाँ है असंख्य शिव शिष्य अच्छे मन से निश्चल मन से अपने गुरु शिव की शिष्यता को अपने दिल में धारित करके समाज में उतर रहे हैं और समाज के लोगों को शिव का रूप दे रहे हैं, शिव का रूप जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सत्य है। इसीलिए शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, जो कभी नहीं बदलता, जो सुंदर है, जिसकी सुंदरता कभी नहीं उतरती। आज फूल खिले हैं, कल फूल नहीं खिलेंगे, मुरझा जाएंगे। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। आपकी सत्यता बदलती है, आपकी सुंदरता बदलती है, इस दुनिया के हर चीज की सुंदरता बदलती है, लेकिन उस शिव की सुंदरता कभी नहीं बदलती। उसी को अपना बनाने की बात साहब कहते हैं। भाई प्रभु जी हैं, स्थानीय गुरु भाई हैं, इनकी एक जिज्ञासा है कि शिव की शिष्यता में दीक्षा नहीं दी जाती, दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्या बिना दीक्षा और दक्षिणा का कोई शिष्य हो सकता है? भारतवर्ष में परंपरा रही है गुरुकुल होने की, मतलब किसी को अपना गुरु बनाने की और शिष्य बनने की। तो गुरु जब आप बनाते हैं किसी को, तो गुरु दीक्षा देते हैं। दीक्षा का अंग्रेजी होता है इनिशिएशन, यानी प्रारंभ, मतलब आज से ये शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। दीक्षा यानी आपकी यात्रा की शुरुआत, और गुरु की दक्षिणा यानी आपका मन जब गुरु के लिए कृतज्ञ होगा, झुकेगा, एहसान मानेगा, तो आपका जो कर्मानुरागी मन है, इंसान है ना हम लोग, कुछ करना चाहते हैं। बच्चा मेरा प्यार करता है तो हम भी उसको प्यार करना चाहते हैं, हम उसको खिलाते हैं। आप देखिएगा एक छोटा सा बच्चा, वो भी आके आपकी माँ के मुंह में खिलाने लगता है, करना चाहता है कुछ ना कुछ, कृतज्ञ है, प्रेम है, लेकिन कैसे इसको किया जाए इसको समझ नहीं पा रहा है, तो कृतज्ञ होता है। तो गुरु की दक्षिणा और गुरु के द्वारा दीक्षा, ये दोनों गुरु सदगुरु तक की श्रेणी के लिए तो चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, तो जगत गुरु शिव की बात जब हम करते हैं, तो वो जगत का गुरु है, वो कोई वर्जना नहीं लगा सकते, वो कोई बंधन नहीं लगा सकते, वो आपके ऊपर कोई नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे लोग तो उन्हीं के हैं। हमारे आपके कुछ लोग अपने हैं, कुछ दूसरे हैं, लेकिन शिव के लिए कुछ अपने कुछ दूसरे नहीं है, शिव के लिए सब अपने हैं। इसीलिए उनके दरबार में राक्षस भी बैठे नजर आते हैं, उसी भाव से देवता भी बैठे नजर आते हैं, बाघ भी बैठा नजर आता है और बैल भी बैठा नजर आता है, सांप भी और चूहा भी, मोर भी, सब सब भाव से आके बैठ जाते हैं। जगत गुरु शिव कोई बंधन नहीं लगा सकते, इसीलिए जब दीक्षा की बात आती है तो उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। हमारा आपका मन में ये सोचना कि आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, ये सोच, यही सोच दीक्षा की शुरुआत है। दीक्षा हो गई, आपने सोचा और शुरुआत हुई, आपने कहा है और शुरुआत हो गई, आपसे से हो गए, आपको किसी भी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो हैं, जहां हैं, वैसे ही शिव को अपना बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है कि मन चाहता है कि गुरु के लिए कुछ करे, शिव शरीर में तो है नहीं, शिव शरीर में रहते तो शायद हम लोग पता नहीं क्या क्या करते। बहुत पहले बेगूसराय में एक संगोष्ठी हुई थी, उस समय दीदी माँ भी थी, हम लोग गए थे सदानंदपुर। साहब ने कहा कि आज मैंने ध्यान में देखा कि महादेव शरीर में उतर के आए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब वो उतरे हैं, एक शिष्य ने देखा कि शिव उतरे हैं शरीर में, और शरीर में जब उतरे हैं तो बारिश का समय है, धरती पे जो घास उगी हुई है तो बारिश में आप देखिएगा कि बहुत सारी घास हो जाती है और एकदम नुकीली होती है, पैर में चुभ जाएगा अगर खाली पैर जाइएगा। तो
तो सिंहकेश ने सोचा कि मेरे गुरु के शरीर में वो जुड़ जाएगा, तो उन्होंने अपने हाथ को ही आगे बढ़ा दिया। देखिए ये ध्यान में जो आया वो बता रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ को ही आगे बढ़ा दिया। लेकिन महादेव हाथ में पाँव कैसे रखेंगे, शिष्य के हाथ में तो पाँव नहीं रखेंगे, वो उन्होंने नहीं रखा। तो शिष्य ने कहा कि बैठिए, अब हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी बैठिए। तो वो बैठे, लेकिन अब बैठेंगे कहाँ, चट्टान है। और इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने शर्ट को, जो शर्ट उन्होंने पहना था उसी को खोल दिया और खोल के चट्टान में बिछा दिया और कहा कि बैठिए। शिव बैठ गए। यह ध्यान में आई थी ये बात, उन्होंने उस समय सत्य बीज कही थी। उस समय कुछ लोग रहे होंगे और लगता है कि उनकी किताब में भी ये, हाँ ये जिक्र है, किताब में भी लिखा होगा, उसी में होगा, दीक्षा और दक्षिणा में ही होगा, पढ़ा है आपने, हाँ ये बात उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि शिष्य कृतज्ञ है, एहसान मंद है, गुरु मैं आपके लिए क्या करूँ, आपने जो दिया किसी ने नहीं दिया, मैं क्या करूँ आपके लिए, कुछ भी करना चाहता हूँ। तो गुरु आदेश के अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है। गुरु आदेश क्या है, आकाशवाणी क्या हुई थी, साहब को क्या सुनाई दिया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी तुम क्या करते हो, तुम खुद भी शिव के शिष्य बनते हो और दूसरों को भी प्रेरित करते हो, तो यही काम कर लो। तो गुरु की दक्षिणा देने का सर्वोत्तम जो उपाय है वो ये है कि हम अपने गुरु के सामने खड़े होकर जो कहेंगे कि गुरु आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा है कि हम इस दुनिया में ही अल्लाह कर दें कि वो शिव बहुत अच्छा है, वो शिव बड़ा सुंदर है, वो शिव जितना अपना है कोई अपना नहीं है। तो क्यों नहीं हम इस दुनिया में ये बात कहें। हम में से बहुत लोग जो है थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, सोचते हैं कि सबके बीच कैसे बोले, वो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, लगता है कि बोलेंगे तो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पता नहीं हमको क्या समझेंगे। लेकिन क्या पता, आप जानते भी नहीं होंगे कि हो सकता है आपसे भी ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को घुमा दे। आप क्या जानते, बाहर से देख के आप जिसको समझते हैं कि ये बड़ा सुखी होगा वो अंदर से कितना टूटा है, आप क्या जानते हैं। शिव से जोड़ दीजिए उसको, आज नहीं तो कल, कभी तो वो सुना है ना उसने आपसे कि शिव को गुरु बना लो, आज नहीं भी माना है अगर तो कभी ना कभी कोई ऐसा क्षण आएगा जब उसको याद आएगा कि किसी ने कहा था कि शिव को गुरु बना लो, शिव को अपना बना लो, क्या पता उस समय वो बना ले। साहब ने कहा दिया है शिव शिष्टता का, छीटो छीटो छीटो। जैसे आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं इसमें आप देख ही रहे हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, विकास हुआ है, विकास जब होता है सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो पेड़ की कटाई होती है। तो अब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके पास कोई दिया होता है ना घर में, कहीं से भी गुजरते हैं ना, तो छींट दीजिए रास्ते पे, मिट्टी पे छींट दीजिए, क्या पता बारिश के होने से वो अंकुर जाए, क्या पता एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाए। आप हर जगह जाके गड्ढा नहीं कर सकते, आप हर जगह जाके मतलब पेड़ की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रकृति शिव की है, वही उसकी रक्षा कर देती है, जैसे मेरी करती है वैसे उसकी भी कर देती है। वैसे ही साहब ने कहा कि शिव शिष्यता का बिया छीटो, जितना छीटोगे हर दिल में वो रोपा जाएगा, और क्या पता किसके दिल में कितना पुष्पित होगा। एक शिव के शिष्य शिवशिष्टता फलवित हुई तो आज करोड़ों की संख्या में शिवशिष्य है। अगर कुछ भी और लोग उन साहब के साथ चल पड़ेंगे अच्छे मन से, अच्छी मनसा से, तो दुनिया शिव का रूप होगी, ये पूरी दुनिया ही शिव का रूप होगी। शिव से बनी, शिव की इच्छा से, उनको आपके सामान की जरूरत नहीं, आपके रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको भी ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया उन्होंने बना के दी थी हमारे आपके रहने के लिए, ये प्रकृति, ये पांचों तत्व से बनी हुई दुनिया ये उन्होंने बनाई थी सबके रहने के लिए, हम लोग इसकी भी रक्षा करें। मेरे गुरु शिव का बनाया हुआ है तो हम इसकी भी देखभाल थोड़ी करें। बहुत सारे गुरु बनने की जिज्ञासा है, एक साथ में जिज्ञासा रखने दीदी के पास
गुरु बहनों का कहना है कि हम लोगों के पति शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन वे तीन सूत्र नहीं करते और शिव चर्चा में तो नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को रोकते भी नहीं। इसके लिए दीदी हम क्या करें? देखिए, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो हो ही रहा है, ये गुरु की दया के बिना हो ही नहीं सकता है। आप चल सकिए, इसके लिए किसी ने रास्ता बनाया। आप चल सकिए, इसके लिए किसी ने भाड़ा दिया है आपको। आप कुछ खा सकिए, इसके लिए किसी ने पैसे दिए हैं आपको। आप लौट के घर आइए तो आपके बच्चे सुरक्षित घर में हैं, इसके लिए कोई वहां रुका है तो उसने सब सौदे कम नहीं किए हैं आपके चलने के लिए, तो उसका महादेव का काम कम नहीं आका जाएगा। वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन ये सारे चीज जो है वो महादेव के काम ही माने जाएंगे। इस हॉल में जो शिव की चर्चा कर रहे हैं या जो बैठे हैं, क्या उन्होंने ही सिर्फ शिव का काम किया है? जिसने इसकी बुकिंग की, जिसने इसमें आपके लिए बैठने की व्यवस्था की, जिसने इसमें पानी रखा है, जिसने साउंड लगाया है, जिसने मतलब आपकी देखभाल की है, क्या उन सबका सहयोग इस काम में नहीं है? सबके मिलके करने से ही एक बड़ा काम होता है। तो अगर पति इतना करते हैं तो उन्होंने कम नहीं किया है। हाँ, ये जरूर उनको कहिएगा कि जिस तरह भोजन बनाने से सिर्फ सबका पेट नहीं भरता, वैसे ही भोजन सबको खुद करना पड़ता है। ठीक है, वो चर्चाओं में ना जाएं, लेकिन कम से कम पहला और तीसरा सूत्र करें, और बाहर नहीं भी जा सके तो घर में ही थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा तो महादेव की तरफ मन को चलाएं। जब कोरोना काल आया था, लोग अपने अपने गांव को लौटने लगे थे, उस समय गांव कितना याद आया था। उस समय महादेव के सिवा कोई नहीं याद आता था। स्थितियां जब ठीक होती हैं तो महादेव उतना नहीं याद आता, लेकिन जब सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो महादेव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता। साहब महिमानंद जी ने कहा कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि शिव के बिना मैंने इस दुनिया को जाना ही नहीं। तो शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ मानवता ये दुनिया सवर्ण होगी, सुगंधित होगी, पल्लवित और पुष्पित होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। तो उस शिव के साथ हम लोग अपना मन करें, उसके साथ चलें, जहाँ रहिए थोड़ा ही दीजिए समय, लेकिन अपने गुरु का भी काम करिए। आपने अपने रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ किया है, पति के लिए किया है, पत्नी के लिए किया है, माँ के लिए किया है, बेटे के लिए किया है, बेटी के लिए किया है, सब के लिए किया है, यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी किया है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गए, आप मिल गए हैं, तो आपने उनकी मदद की है, लेकिन अपने गुरु के लिए भी आपको करना है, ये भी सोचना होगा। ये भी एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जब सारे लोग छोड़ देते हैं तब भी नहीं छोड़ता। दुनिया में जो भी रिश्ते मिले हैं वो कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी छल करते हैं, कभी प्रेम भी देते हैं, लेकिन हमेशा प्रेम ही नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ और भी मिला होता है। शिव के प्रेम में कुछ भी मिला नहीं होता। शिव के प्रेम को महसूस करिए, उनकी दया को महसूस करिए, और उनके लिए कुछ भी करिए। शिव के लिए कर दीजिए, अपने गुरु के लिए कर दीजिए, अपने लिए कर लीजिए, अपने दिल में भी शिव के शिष्य बनिए, खुद से भी शिव के शिष्य बनिए, और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो शिव की शिष्यता में चले। आशा है और विश्वास है, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग के जीवन में कितने पल बचे हैं, कब तक हैं इस दुनिया में, कब इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। मौत की एक बूंद पड़ती है और ये जीवन की कागज जो है गल जाती है, खत्म हो जाती है, समझने का सोचने का मौका भी नहीं मिलता। प्रिय से प्रिय आदमी आंखों के सामने चला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जीवन शिव के चरणों में गिर के मिट जाए, मर जाए, इस तरह हमारे मिट्टी ठिकाने लगे, इससे सुंदर मिट्टी ठिकाने और किसी भी तरह से नहीं हो सकती। कोई आपको याद करेगा कि आपने उसके जीवन में शिव को उतारा है। आप बहुत कुछ कर दीजिएगा तो वो भूल जाएगा, लेकिन शिव को उतारा है तो वो याद रखेगा।
तो इतना ही कर दीजिए किसी के लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिज्ञासा दीजिए और आप लोग अभी तो जिज्ञासा हम आप व्यवस्थित है ना, एक व्यवस्था से यहाँ अस्थलिया गुरु बहन की एक जिज्ञासा है कि जालंधर के गुरु भाई बहन शहाब बीबी का तस्वीर लगाकर पैसा चढ़ाते हैं और चर्चा के क्रम में नाश्ते गाते हैं, क्या यह करना उचित है? दीदी जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए पहले तो हम ये बता दें आपको कि साहब हरिंद्रनाथ जी ने अपनी और दीदी नीलम आनंद जी की तस्वीर कभी नहीं लगवानी चाहिए थी, कभी नहीं चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि अगर तस्वीर भी लगानी है तो महादेव की लगाओ, और किसी दिन महादेव ही उतरेंगे, मैं भी आज हूँ कल चला जाऊंगा, महादेव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जब दुनिया में है ना हम लोग, तो दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे भी और व्यापारी से व्यापारी भी। जब शिव की सिस्टा बढ़ने लगी तो कुछ जगहों पे लोगों ने अपनी तस्वीरें महादेव के साथ लगानी शुरू कर दी। इसलिए विवस्था में हम लोगों को साहब से निवेदन करना पड़ा कि अब अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगाने देंगे तो होगा ये कि हर जगह के लोग अपनी अपनी तस्वीर लगा के बैठ जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पे तो विश्वास है ना कि आप छलावा नहीं करेंगे, आप लोगों को भ्रम में न रखेंगे तो आपकी तस्वीर लगे। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि कृतज्ञ है मन। अभी हम लोगों ने इस पर बात की गुरु दक्षिणा क्या होती है। कृतज्ञ है मन उन साहब देने के लिए जिन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा लेकिन हमको दिया है महादेव। कृतज्ञ है इसलिए उनको याद करते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि उस तस्वीर के पैसे चढ़ा के उनको मलिन मत करिए, उनके सम्मान को कम मत करिए। उन्होंने दिल में शिव को उतारने की बात की है, उन्होंने पैसे का व्यापार करने की बात कभी नहीं की। तो हम लोग कुछ उनको दे नहीं पाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका मान रखिए, ये मत करिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि शिव की चर्चाओं में कोई नृत्य करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई आरती करने लगता है। साहब ने हमेशा कहा कि समाज में उतर के संसार के लोगों के साथ चल के ही तो आप महादेव को से जोड़िएगा उसको। तो कोई तस्वीर लगा लिया है घर में तो मना मत करिए, लगा लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको समझाइए कि पिताजी की तस्वीर से नहीं मिलना है, पिताजी से मिलना है जो मिलना है। तो तस्वीर रखिए, पिता की रखते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके सहारे आपको उस तक जाना है जहाँ आपको मिलना है। रही बात शिव की चर्चाओं में नृत्य करने की, नृत्य भी बहुत तरह के होते हैं। एक नृत्य ऐसा होता है जो शिव का तांडव होता है, शिव का तांडव, नटराज का स्वरूप। अगर वैसा नृत्य कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि शिव के नटराज के नृत्य करने से ये धरती कंपित होती है और उसमें अनाज की बालियां पैदा होती हैं, लोगों का जीवन भूख मिटती है उसकी, अनाज पैदा होते हैं, हवाएं अपने रूप बदलती हैं, दिशाएं अपने वस्त्र बदलती हैं। उस तरह का आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन संसार में जिस नृत्य को करने से फुहरता नजर आती है, आपके वस्त्र इधर उधर हो जाते हैं, आप बहन हैं, माँ हैं, भाई हैं, हम लोग भाई गुरुवान मिल के बैठते हैं, शर्मिंदगी होती है वहाँ, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि नाच गान का कार्यक्रम हो रहा है। शिव की चर्चा बहुत गंभीर बात है, बहुत सम्मान की बात है। हम लोगों को स्नेह मिला कि हम महादेव की बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इस स्नेह का सम्मान करिए। हीरा मिल गया है बिना खोजे, लेकिन इस हीरे की कद्र करिए, इसको फिर से धूल में मत मिला दीजिए। मेरा करवध प्रार्थना है मेरी कि जिस शिव शिष्यता के लिए साहब और दीदी ने अपने जीवन को लगा दिया, हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो इस शिव शिष्यता को बिगाड़िए नहीं। आप भले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए शिव चर्चा को, आप अपने घर में बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन शिव के शिष्यता को लेकर समाज में
दूसरे रूप में मत उतरिए, जिस रूप में साहब ने उतारना चाहा है उसी रूप में उतरिए। और देखिए कि आपको इन नाच गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आप में महादेव को देखेगा, कोई आप में माँ पार्वती को देखेगा। साहब ने किसी संकीर्णता पे बात नहीं की, जाति खंड पे बात नहीं की, गरीब अमीर पे बात नहीं की, छोटे बड़े पे बात नहीं की। उन्होंने मात्र एक बात कही कि शिव को अपना मानो और उसे भूल जाओ। लेकिन उनकी एक बात में इतनी ताकत है कि आज हमारे आपके मन की सारी संकीर्णता खत्म हो गई है। हम अपनी संकीर्णताओं को भूल कर एक साथ उठते बैठते हैं, प्रेमपूर्ण माहौल में रहते हैं। दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए, दे सकते हैं तो सम्मान दीजिए। नारियल खाने का मन है तो खरीद के खा लीजिए, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए दूसरों को प्रेरित मत करिए। क्योंकि शिव की चर्चा प्रतिदिन होने वाला काम है। कोई गरीब से गरीब लोग भी आपके साथ है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से चलाएगा? तो क्या उसके यहाँ शिव चर्चा नहीं होगी? होगी ना। तो साहब के अनुसार उस शिव तक चलिए, जिस तरह अघोरे ने कहा था, मेरे शिव को देख। और उनका शिव ये नहीं सिखाता, वो समाज को मर्यादा में रखना सिखाता है। मर्यादा में तो सूरज और चांद भी है, मर्यादा में तो आकाश और धरती भी है। अपनी मर्यादा ये धरती भूल जाए तो क्या होता है, आकाश भूल जाए तो क्या होता है, विध्वंस ही होता है। इसलिए सामाजिक मर्यादा का भी पालन होना चाहिए। शिव की चर्चा को आपके द्वारा जो होती है उसको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। हम में से ऐसा नहीं कि सारे लोग पूरी तरह शिव होकर ही शिव को गुरु बनाए हैं। बहुत ऐसे लोग भी आए जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे, लेकिन उन्होंने शिव को गुरु बनाकर कब उनके जिंदगी से ये नशा दूर हो गया, कब ये शराब छूट गई, पता भी नहीं चला। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मैं पी कर जाता हूँ लोगों के बीच, और पीने वाले के मुंह से शिव की बात नहीं निकल सकती, ये शिव की ही सजा होती है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो होता क्या है कि उसके मन से खुद ही उतर जाता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा आचरण करके महादेव की बात करूंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो छोड़ देता है। हर घर में देखिएगा कब काफी कलह है, झगड़ा है, लेकिन जो शिव की बात करना शुरू कर देता है तो कोई गुरुवान अगर शिव की बात कर रही है तो घर में अगर कुछ माहौल ऐसा हो भी जाता है तब भी वो कलह नहीं करती, तब भी वो चिल्लाती नहीं है। कारण क्योंकि उसको लगता है, उस समय याद आता है कि अगर आज मैं चिल्लाऊंगी दूसरे सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कैसे शिव की चर्चा करती है, शिव की बात करने वाला इतना बेचैन है, शिव की बात करने वाला मंच पे अच्छी बात करता है और घर में कोलाहल करता है, नहीं रहेगा। तो देखिए, शिव की बात सिर्फ करने के लिए कही गई, लेकिन आपके जीवन की सारी गंदगी जो है उस गुरु ने खुद ही धो डाली है, वो खुद ही धो लेते हैं और अच्छे मन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि जो जैसा है वो शिव का है, इसलिए आप उसकी समीक्षा मत करिएगा बैठ के कि कौन कैसा है, गुरु अपनी समीक्षा खुद कर लेंगे। निवेदन है कि शिव की शिष्यता की जो मूल धारा है ये बहुत पावन है, बहुत सुंदर है, इस मूल धारा को पावन ही रहने दीजिए। हालांकि आपकी गंदगियां आएंगी भी तब भी ये पावन ही रहेगा। आप हम कितनी भी गंदगियां इसमें डाल दें ये पावन रहेगा, ये अपवित्र नहीं हो सकता। लेकिन क्या शिव के शिष्य ऐसा करेंगे? क्या शिव की बात करने वाले भी ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर दूसरे करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शिव की बात करने वाले अगर कुछ नहीं करेंगे तो कलंक आपके गुरु पे लगेगा, उंगली आपके गुरु पे उठती है, आप पे नहीं। लोग क्या कहते हैं? लोग कहेंगे कि जो शिव चर्चा करते हैं उन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए अपने गुरु के सम्मान के लिए, अपने गुरु के मान के लिए विष भी पीना पड़े तो हमारे गुरु ने पिया था, तभी तो दुनिया ने कहा था कि मान सहित विष खाएंगे संभू भय जगदीश, मान के साथ विष भी ग्रहण किया उन्होंने, इसीलिए आज उनको संभू कहते हैं, जगदीश कहते हैं। तो मेरा निवेदन है
कि महादेव की स्थापना हर दिल में अपने गुरु से दया मांगकर करने की कोशिश करिए, जितना ही कर सकिएगा उतना ही करिएगा, लेकिन इस निवेदन को याद रखिएगा। हाथ जोड़ का निवेदन है, साहब ने जालंधर के लिए बहुत सोचा, साहब के ध्यान में ये जालंधर है। चलिए ठीक है, सब लोगों को पढ़ा।